और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं भरतपुर से। नदबई में नगर पालिका की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची। नदबई के हरियाणा मैरिज गार्डन में होली मिलन समारोह चल रहा। नदबई सर्व समाज और 3 दर्जन व्यापारिक संगठनों की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। नदबई खेड़ली और नदबई कुम्हेर सड़क मार्ग पर कार्य शुरू होने पर अभिनंदन किया जाएगा। नगर पालिका चेयरमैन अरवती सिंसिवार, उपाध्यक्ष पुष्पा उपाध्याय, व्यापार संघ अध्यक्ष शिवदयाल गोयल, 2 दर्जन से ज्यादा संगठन सहित सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा अभिनंदन। और जो कोई भी बंधु रह गए हो करना चाहे, इसके बाद अभिवादन है साथ साथ एक सुंदर सी प्रस्तुति फूलों की होली वाली, उसके बाद खाना। भाई ज्वाला जी, अनुरोध करूंगा टीम ज्वाला जी एडवोकेट, नदबई में नगर पालिका की ओर से होली मिलन समारोह, क्या कुछ कहने जोगिंदर सिंह अवाना सुन। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे देने का काम किया पिछले दिनों, आप सबका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उज्जैन के अंदर 25 दिसंबर को एक ऐतिहासिक रैली, ऐसी रैली कि जिस रैली की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो रैली, जिस रैली के बारे में स्वयं अपने मुख से इस प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने भी कहा कि पूरे 4 साल से ऊपर सरकार को हो गए, अगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस की कोई राजस्थान में बड़ी रैली है तो वो उज्जैन की रैली है। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से आप सब लोगों ने उसमें जो शिरकत की, आप लोगों ने मेहनत की, रात दिन आप सब लगे रहे, और जब लगने के बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1511 करोड़ की सौगात इस नदबई विधानसभा जो मेरी है उन सम्मानित नागरिकों को दी, उद्घाटन किए, शिलान्यास किए 1511 करोड़ के। और ये 1511 करोड़ कोई 4 साल के नहीं थे, ये 1511 करोड़ मात्र 1.5 वर्ष पुराने थे। उससे पहले तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, जब से पहला बजट आया उसी समय से मैं शिलान्यास करता आ रहा हूँ, ये केवल वो थे जो मैंने किए नहीं थे। आज तक 4 वर्ष से 5 वर्ष शुरू हो गया, पूरी नदबई विधानसभा के अंदर लगभग 5000 करोड़ की सौगातें मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी। 600 करोड़ की सड़कों का तो उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी करके गए, और 250 करोड़ अभी 10 फरवरी को जो बजट आया, 250 करोड़ की सड़कें उस बजट में मिली। और मुझे खुशी है आज कि बेटियों के लिए कॉलेज भी यहाँ नदबई में मिला, जो बेटियां भरतपुर दूर जाती थी उनके लिए भी कॉलेज देने का इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने काम किया। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए 3 करोड़ की कीमत का स्टेडियम भी यहाँ, जिसकी लागत आएगी वो भी देने का काम किया।